त्रिपुरा ते चेन्नईच्या दिशेने जाणारी गाडी क्रमांक 12578 बागमती एक्सप्रेसमध्ये 4 युवक सोन्या चांदीचे दागिने नेत असल्याची खात्रीलायक माहिती वरिष्ठांकडून बल्लारशहा आरपीएफ विभागाला मिळाली. या गुप्त माहितीच्या आधारे बल्लारशहा स्थानकावर गाडीची तपासणी केली असता 2 ते 3 प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये सोने चांदीचे दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू असे आढळून आले. साधारणतः या दागिन्याची किंमत 2,10,67,000 रुपये इतकी आहे. या प्रकरणी आरपीएफ विभागाने 4 आरोपींना अटक केली आहे. सदर माहिती आरपीएफ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली असल्याची माहिती स्थानिक आरपीएफ विभागाच्या वतीने सांगण्यात आली आहे. त्रिपुरा ते चेन्नईच्या दिशेने जाणारी गाडी क्रमांक 12578 बागमती एक्सप्रेसमध्ये 4 युवक सोने चांदीचे दागिने नेत असल्याची खात्रीलायक माहिती वरिष्ठांकडून बल्लारशहा आरपीएफ विभागाला मिळाली. या गुप्त माहितीच्या आधारे ही रेल्वे गाडी बल्लारशहा स्थानकावर आली असता गाडीची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत चोरट्यांकडून त्यांच्याकडील बॅग व गोणी जप्त केली असता नवीन व जुने कपडे, 3 काळ्या रंगाच्या पिशव्या व निळ्या रंगाची 1 छोटी पिशवी, हिरव्या रंगाची मोठी पिशवी व निळ्या रंगाच्या गोणीमध्ये सोने चांदीचे व सोन्याचे कपडे आढळून आले. भरलेले आढळून आल्यानंतर वरील दोन्ही पिशव्यांमधील माल रिकामा करून गोणी, सोने चांदीचे व पैसे वेगळे केले. त्या पिशवीमध्ये सापडलेले सोने चांदी व पैसे प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये भरून त्यांचे वजन करून ते मोकळे केले. यामध्ये 33.06710 ग्रॅम सोने अंदाजे किंमत 17,65,78,31.40 रुपये, 27.972 किलो चांदीची किंमत अंदाजे 19,58,040 रुपये आणि 14,52,100 रुपये रोख रक्कम सापडली. अशा प्रकारे एकूण मुद्देमालांची एकूण किंमत जे जप्ती पंचनामा अंतर्गत करण्यात आली आहे आरपीएफ ताब्यात घेतले. त्या प्रकरणी 4 आरोपींना अटक करण्यात आली असून आरोपींची नावे महताब आलम, अयुब खान वय वर्ष 37, पत्ता राहणार बगडहारा वार्ड नंबर 5 जुनी जी अरिया बिहार, बदरुल जहांगीर खान वय वर्ष 20, पत्ता गमडिया जोकेहाट अरेरिया बिहार, मोहम्मद सुबान अब्दुल वाहिब उमर वय वर्ष 30, पत्ता बगडहारा वार्ड नंबर 5 जुनी जी अरिया बिहार आणि दिलकश आरिफ उमर वय वर्ष 20, गमाडिया वार्ड नंबर 2 जोकेहाट अररिया बिहार असे आहेत. पंचनामा अंती प्राप्त मुद्देमाल एकूण जप्त करून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. सदर कारवाई आरपीएफ निरीक्षक नवीन प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली उपनिरीक्षक प्रवीण महाजन, उपनिरीक्षक प्रवीण गाडवे, सहाय्यक उपनिरीक्षक डीएस गौतम श्री, उपनिरीक्षक राम लखन, प्रिन्सिपल कॉन्स्टेबल रामवीर सिंग, प्रिन्सिपल कॉन्स्टेबल डीएच डबल कॉन्स्टेबल जितेंद्र पाटील, हवलदार पवन कुमार, हवलदार शिवाजी कनोजिया, हवलदार देशराज मीना, आर मोहम्मद अन्सारी, आर हरेंद्र कुमार, आर रुपेश यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भात तामिळनाडू पोलिसांशी संपर्क साधण्यात आला असून ते आल्यानंतर आरोपी आणि जप्त केलेला मुद्देमाल पुढील कारवाईसाठी ताब्यात देण्यात येईल अशी माहिती आरपीएफ निरीक्षक नवीन प्रताप सिंह यांनी दिली आहे. आज सुबह करीब 9 बजे हमारे वरिष्ठ मंडल सुरक्षायुक्त श्री आशुतोष पांडे सर ने मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो और फोटोज भेजी और उन्होंने बताया कि 4 संदिग्ध लोग जो चेन्नई रेलवे स्टेशन पर जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई है वो चेन्नई के पास से ही एक ज्वेलर साहब का सोना चांदी और रुपए लेकर के ट्रेन नंबर बागमती एक्सप्रेस से जा रहे हैं. आप एक टीम बना करके और आईपीएफ चंद्रपुर की मदद से उनको तलाश करें. ट्रेन लगभग 9:47 पर बल्लारशहा के प्लेटफार्म नंबर 5 पर आई. मैं, मेरे साथी इंस्पेक्टर चंद्रपुर नवीन प्रताप सिंह और 10-12 स्टाफ ने अलग अलग टीम बना करके ट्रेन के सभी डब्बों में तलाश चालू की. पहला व्यक्ति हमें S7 में, दूसरा S8 में, तीसरा S10 में और चौथा व्यक्ति हमें AC कोच में मिला एवं उनके बैग भी जो CCTV में दिखाई दे रहा था कि उनके पास जो बैग और थैली है वो अलग अलग कोचों के अलग अलग सीटों के नीचे छुपा कर रखा था. उनसे तुरंत कुछ मिनट में ही पूछताछ करके और पूरा प्रयास करके पूरे स्टाफ ने पूरी शिद्दत से और तलाश किया और उनके पास से 5 पिट्ठू बैग और 2 नीले और पीले रंग की प्लास्टिक की गोनियाँ मिली. उनको उतार करके थाने पर लाए और पंचों को बुला करके उनके समक्ष चेक किया गया तो 3 पिट्ठू बैग में उनके पहनने के कपड़े, 2 पिट्ठू बैग में और 2 गोनियों में सोना चांदी और रुपए बरामद हुए. उसको हमने अलग अलग किया. अलग अलग करने के बाद करीबन
3 किलो 306.710 मिलीग्राम सोना, जिसकी कीमत अंदाजन 1,76,57,831 रुपये, 27.972 किलोग्राम चांदी, जिसकी कीमत 19,58,040 रुपये एवं 14,52,100 रुपये कैश बराबर हुआ। इनकी कुल मुद्दे माल की कीमत 2,10,67,971.40 रुपये है। इस संबंध में संबंधित पुलिस, तमिलनाडु पुलिस का भी मैसेज आया और उन्होंने हमें धन्यवाद कहा और वो वहां से उनकी टीम निकल चुकी है और अगली कार्यवाही के लिए ये माल मुद्दा और आरोपी उन्हें सुपुर्द किया जाएगा। धन्यवाद। कितने आरोपी पकड़े गए सर इसमें? इसमें टोटल 4 लोग हैं। 4 लोगों के नाम सर? चारों के नाम, नंबर एक का नाम है महताब आलम, दूसरे का नाम है बदरुल सनफ जहांगीर खान, तीसरे का नाम है मोहब्बत सुभान और चौथे का नाम है दिलकश सनफ मोहम्मद आरिफ। ये चारों अररिया बिहार के रहने वाले हैं। आजाद स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चैनल ला सब्सक्राइब करा।